कांग्रेस ने 25 राज्यों के प्रभारी सचिव बदले हैं और बहुत से नेताओं को कई जिम्मेदारियां भी दी हैं। इसी सूची में देवेंद्र यादव को बिहार विधानसभा चुनाव का प्रभारी सचिव बनाया गया है। इसे लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। इसे लेकर डीसीएम अरुण साव ने कहा कि जेल में बंद कार्यकर्ता को प्रभारी बनाना कांग्रेस की परंपरा रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से दो नए प्रभारी और सचिव बनाए गए हैं, सह प्रभारी बनाए गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अभी तो कांग्रेस सिर्फ बीजेपी के षड्यंत्र का शिकार हुई है। अपराधी हैं या नहीं यह भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी, यह न्यायालय तय करेगी। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपराध और अपराधियों के साथ खड़ा होने का काम करती है। हम लगातार इस बात को देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कोलकाता की घटना हुई पर कांग्रेस के मुंह में ताला लगा हुआ है, वो कहने वाली बेटी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहीं लड़ते हुए नहीं दिख रही है। अब यह हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती रही है और जेल में बंद कार्यकर्ता को ऐसे प्रभारी बनाना ये तो इनकी परंपरा रही है। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का शिकार हुई है, वो ना कोई अपराधी है। अपराधी कौन है ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी, ये न्यायालय तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अपने पद और सरकार का दुरुपयोग कर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर लगातार आपराधिक घटनाएं दर्ज कर रही है। मैं समझता हूं कि इन जिस तरह से क्रियाकलाप कर रही है सरकार, पूरे प्रदेश की जनता जानती है और कौन अपराधी नहीं है ये न्यायालय तय करेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करेगा।